जाता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अरविंद केजरीवाल के विधायकों को तोड़ नहीं सकते हैं, धमका नहीं सकते हैं, पैसों से खरीद नहीं सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की समस्या है, वो एक सीरियल किलर है, वो लोकतंत्र का सीरियल किलर है, तो उनको चैन नहीं मिलता है सरकारें तोड़ने की कोशिश किए बिना। जैसे एक सीरियल किलर को मर्डर करने का एडिक्शन होता है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को दूसरी पार्टियों की सरकार गिराने का एडिक्शन है। तो दिल्ली में असफल होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस पंजाब पहुंच चुका है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के 10 विधायकों से संपर्क किया और उनको 25-25 करोड़ रुपए ऑफर किए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए। उनको कहा कि अगर आप 25 करोड़ ले लो और तुरंत भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ तो हम दिल्ली में आके आपके बड़े बाऊजी से मीटिंग कराएंगे तुरंत। उन्हें कहा कि अगर आप और लोगों को अपने साथ लेके आते हो तो हम आपको 50-70 करोड़ रुपए देंगे और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी उसमें मंत्री बनाएंगे। जिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने संपर्क किया उन्होंने बताया कि उनका टारगेट है आम आदमी पार्टी के 55 विधायकों को तोड़ना। अगर 55 विधायकों को तोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने रखा हुआ है तो कुल मिला के पंजाब में ऑपरेशन लोटस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 1375 करोड़ रुपया कैश में, नकद में रखा हुआ है। यह वही भारतीय जनता पार्टी है जो पंजाब के किसानों की मदद करने के लिए, वो पराली ना जलाएं उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए एक रुपया देने को तैयार नहीं होती है। ये वही केंद्र सरकार है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो चाहती है कि दिल्ली के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग धुएं धुएं में रहें और एक रुपया वो पंजाब की मदद करने को तैयार नहीं है। आज जब आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी 1375 करोड़ लेकर बैठी हुई है कैश। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं कि ये 1375 करोड़ आपके पास कहां से आया। और मैं भारतीय जनता पार्टी को यह भी बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, वो तुम्हारे झांसे में आने वाले नहीं है, वो तुमसे डरने वाले नहीं है, वो तुम्हारे हाथों बिकने वाले नहीं है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के सिपाही सर पर कफन बांध कर निकले हैं इस देश में बदलाव लाने के लिए। और जहां जहां अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार होगी वहां वहां भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस फेल होगा। अभी जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है तो आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक पंजाब डीजीपी के पास ऑफिशियली ऑपरेशन लोटस की शिकायत लेकर गए हैं और इस ऑपरेशन लोटस की पंजाब पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन की मांग हमने करी। ये जो पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस है, इसे अगर फेल करेगी तो एक पार्टी करेगी, वो है आम आदमी पार्टी। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने कसम खाई है कि वो इस देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे, उन्होंने कसम खाई है कि वो इस देश के हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा देंगे, हर युवा को रोजगार देंगे, हर महिला को सुरक्षा देंगे। और भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी कोशिश कर ले, वो आम आदमी पार्टी के एक विधायक तो क्या, आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता को भी नहीं खरीद पाएगी। थैंक यू।